दोस्तों, आज तक आपने जन्नातों के बारे में बेशुमार बातें सुनी होंगी। जन्नात होते हैं इस बारे में कोई भी शक नहीं। जो शक करे तो शायद वो इंसान भी कभी भी किसी रूहानी मखलूक से सामना नहीं कर पाया होगा, इसीलिए वो इस पर शक करता है। भूत परेत और जन्नात, जिनके बारे में मुख्तलिफ राय लोगों की रहती है। कई लोग जन्नातों पर यकीन करते हैं तो कई लोग इन्हें महज एक वहम समझते हैं या फिर लोगों की गपशप या झूठ कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन्नात हकीकत में होते हैं। इस्लाम की पाक किताब कुरान मजीद में भी जिन्नातों का जिक्र आया है। इसी बात से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन्नातों के वजूद में कितनी सच्चाई है। लेकिन कुरान करीम की बयान करदा चीजों की आज दुनिया वाले खोज करके साबित कर रहे हैं, जिन्हें कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था। बहरहाल दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जन्नात से रिलेटेड ही है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुर्गे और जन्नात में क्यों दुश्मनी है। इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रही इस मालूमात के बारे में हर इंसान को जानना चाहिए कि आखिर जन्नात और मुर्गे ने दुश्मनी क्यों की, यानी इन दोनों के बीच में दुश्मनी क्यों है। कई बार आपने भी इससे रिलेटेड वीडियोस देख रखी होंगी, लेकिन आज हम आपको तफसील से बताएंगे कि आखिर मुर्गे और जिन्नात में दुश्मनी क्यों है। दोस्तों, एक रिवायत में है कि किसी मुल्क के एक बादशाह ने अपने महल के मौज़िन को ये हुक्म दे रखा था कि सुबह मुर्गे की अजान सुनने के बाद, यानी मुर्गा जो बांग देता है उसके बाद, उसके सुनने के ठीक बाद अजान दे दिया करो। अब मौसिन ऐसा ही करता था, लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि उस मासूम मुर्गे ने बेवक्त ही एक मर्तबा अजान दे दी। रात को मुर्गे ने बांग दे दी और मौसिन, जिसको बादशाह सलामत ने हुक्म दे रखा था, तो उसने भी हुक्म की तामील की और मुर्गे की आधी रात की आवाज को सुनते ही मौसिन साहब ने भी खुद भी अजान दे दी, जिसकी वजह से लोगों को फजर के वक्त से पहले ही बेदार होना पड़ा, क्योंकि मुर्गे ने रात में ही अजान यानी बांग दे दी थी। तो मौसिन साहब ने अजान दी तो लोग जाग गए और इसी गलती की वजह से बादशाह ने मौसिन को मौत की सजा दे दी। और जब ये खबर बादशाह की लाडली शहजादी तक पहुंची, जो कि बादशाह को बहुत अजीज थी, तो उसने बादशाह सलामत को एक खत लिखा और इस खत में ये लिखा कि इस सजा का हकदार तो मुर्गा है, आजान देने वाला सजा का हकदार कैसे हुआ। और दोस्तों, ये बात कई बार देखी गई है कि मुर्गा कई मर्तबा बेवक्त ही बांग यानी आजान दे देता है। तो फिर क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से जानने की कोशिश करेंगे कि मुर्गे के बांग देने यानी आजान देने में आखिर क्या क्या हिकमतें पोशीदा हैं। दोस्तों, एक मर्तबा इमाम अली इब्ने तालिब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने एक सवाल किया, या अली, हमें एक बात समझाइए कि आखिर मुर्गा ऊंची आवाज में अजान क्यों देता है। जो मुर्गा बांग देता है उसके मुतालिक उस शख्स ने हजरत अली से सवाल किया। ये सुनकर हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, ये खूब जान ले कि इस कायनात और इसमें कायम जमीन हम इंसानों की पैदाइश से लाखों साल पहले आबाद थी और इस जमीन पर उस वक्त जिन्नात रहा करते थे जब अल्लाह ताला ने चाहा कि जमीन पर हजरत आदम को उतारें, तो उस वक्त उन जिन्नातों को जो उस वक्त जमीन पर मौजूद थे, उन तमाम जिन्नातों को यह हुक्म दिया कि तुम लोग अब सिर्फ रात तक ही जागो, यानी रात के वक्त तक तुम महदूद हो जाओ। और उस वक्त ये मुर्गा, जो कि परिंदे की शक्ल में हवा में उड़ा करता था, और उस मुर्गे के उड़ने की ताकत खत्म कर दी गई और उसकी आवाज को मजीद बुलंद कर दिया गया। और उस मुर्गे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि ये रात को खत्म होने तक, यानी जब रात खत्म हो जाए और सुबह करीब आ जाए, सुबह के वक्त करीब होने पर बांग दे यानी आजान देकर न सिर्फ अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह की इबादत के लिए बेदार करे, बल्कि इंसानों के साथ साथ ये बांग देकर, आजान देकर जिन्नातों को भी खबरदार कर दे कि सुबह हो चुकी है, यानी कि अब जिन्नातों का वक्त खत्म हो चुका है और इंसानों को भी फजर के लिए उठना है, और अब ये तमाम जिन्नात पर्दे में चले जाएं।
प्यारे दोस्तों, इसके बाद उस शख्स को जवाब देते हुए हजरत अली ने यह भी फरमाया कि ये अल्लाह ताला की वो मखलूक है कि जैसे अल्लाह ताला ने जन्नातों और फरिश्तों को देखने की सलाहियत से नवाजा है, यानी कि जो मुर्गा होता है वो जन्नातों और फरिश्तों को देख सकता है, जबकि इसी मुर्गे की आवाज में अल्लाह ताला ने इतना ज्यादा रोब और इतना असर रखा है कि जन्नात भी इसकी आवाज सुनकर जो सुबह सुबह बांग देता है या रात को बांग देता है उसकी आवाज सुनकर भाग जाते हैं। इसके बाद हजरत इमाम अली ने उस शख्स को ये नसीहत फरमाई कि जब तुम देखो कि किसी इंसान पर जिन का साया है तो कोशिश किया करो कि उस शख्स को मुर्गे की आवाज सुनाई जाए और उम्मीद यही रखो कि जन्नात जो उस शख्स के अंदर मौजूद है वो एक मुर्गे की आवाज सुनकर उसका जिस्म छोड़कर भाग जाए। और दोस्तों, इसके अलावा हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी भी चीज को बेमकसद पैदा नहीं फरमाया है, और अगर हम इसके बाद इस मुर्गे की जिंदगी पर नजर डालें तो हजरत अली के इस कौल के मुताबिक न सिर्फ ये मुर्गा शैतान को भगाने के काम आता है बल्कि ये इंसानी खुराक के लिए गोश्त पैदा करने का एक अनोखा जरिया भी है। शायद यही वजह है कि बुजुर्गाने दीन ने भी इस नेक सिर्फ परिंदे को अपने घरों में पालने का हुक्म दिया है ताकि हम इस मुर्गे की मौजूदगी में जिन्नात से महफूज रह सकें बल्कि अल्लाह की मखलूक में इजाफे का भी सबब बन सकें। प्यारे दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक भी मुर्गे की अहमियत को बयान करती है। मिसाल के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी मुर्गे की बांग सुनो, मुर्गे की आजान सुनो तो अल्लाह ताला से उसके फजल का सवाल करो, क्योंकि मुर्गा फरिश्तों को देखकर ही आजान देता है। और आगे आपने मजीद फरमाया कि जब गधे की आवाज सुनो तो अल्लाह ताला से पनाह मांगो, क्योंकि वो शैतान को देखकर, शैतानी कुव्वतों को देखकर ही अपनी आवाज बुलंद करता है। और एक और जगह इरशाद फरमाया, सबसे बुरी जो आवाज है वो है गधे की।